तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम मशीन को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमारा कॉइल वाइंडिंग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला स्लॉट है जो कि हमारा रिवाइंडिंग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे मशीन चल रहा है। दोस्तों हमारा कॉइल यहाँ पे रिवाइंड हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमें सभी रिवाइंडिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पे रुक गया। दोस्तों 500 पर जो हम टर्न सेट किए हुए दोस्तों, इसमें हमारा 504 टर्न इसमें गया है। तो हमारा ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पे रुक गया। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टेटर को हमें पीछे की तरफ खींच करके फिर से इस वाले खर्च में हमें फंसा करके फिर से इसका स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा स्लॉट में हम रिवाइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम निकाल करके डाल लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से इसको पीछे करके और इसको स्टेटर को घुमा करके दोस्तों यहाँ पे इसको हम फंसाए फिर से। दोस्तों इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको घुमा लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमारा यहाँ पे उस तरफ हमारा मशीन चल रहा था उस तरफ, अब हमारा मशीन इस तरफ से चलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम फिट कर लिए, अब इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा डाई बिल्कुल भी सेटिंग में बैठ चुका है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमारा वायर कहीं फंसेगा तो नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल ओके है, अब यहाँ पे हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा स्लॉट भी यहाँ पे रिवाइंडिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें सभी क्या करना है कि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल रिवाइंडिंग कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, सभी को रिवाइंडिंग करके हम कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम पेपर लगाएंगे।